मैं अंजू अग्रवाल आप सभी का अंजू के किचन घर चैनल में स्वागत करती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बगल में लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज मैं आलू दही की सब्जी बनाऊंगी। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है। इसके लिए मैंने ये उबले हुए आलू लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू कम बेसी कर सकते हैं। इसे मैं रफली चॉप करूँगी, इसे एक साथ चॉप नहीं करना है, इसे मैं रफली करूँगी। ये मैंने दही लिया है, ये एक बाउल दही है। दही हमारा गाढ़ा था, इसमें मैंने एक कप पानी डाल के इसको फेंट लिया है। ये दही हमारा खूब खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं है, ठीक ठीक है। ये 2 दिन पहले की दही है, इसे मैंने फ्रीज में रखा हुआ था। इसमें 1 टीस्पून बेसन डालेंगे और इसे फेंट लेंगे। दही मैंने फेंट लिया है। अब आलू दही की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई को रख दिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड सरसों तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें 1 तेज़पत्ता, ये मैंने 2 लाल मिर्च लिया है, इसे भी 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सरसों के दाने, 1 पिंच के करीब हींग, ये 2 हरी मिर्च को मैंने लंबे टुकड़ों में काट दिया है, और ये अदरक है इसे मैंने चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। और सबको मिला देंगे। अब इसमें हम अपने ये कटे हुए आलू को डालेंगे। ये मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसे मैंने 1 टीस्पून दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। अब सबको मिला लेंगे और थोड़ा सा आलू को इस तरह से क्रश भी कर देंगे। मसाला हमारा भुन गया है। ये सब्जी बनाने में जितना ही सिंपल है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने का मतलब ये है कि जिससे हम दही डालेंगे तो दही हमारा फटेगा नहीं। अब हम अपना फेटा हुआ दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसे चलाते रहना है, इसे बीच में छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो दही हमारा फट के अलग हो जाएगा। उबाल आने तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। बीच में मैंने जो थोड़ा सा पानी दिया था, पानी देने का बस एक ही रीज़न था कि जब हम दही डालें तो दही हमारा फटे नहीं, क्योंकि बहुत गर्म में दही डालेंगे तो वो हमारा फट जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल के सब्जी को थोड़ा ठंडा कर लिया और फिर दही डाला, जिससे हमारा दही फटे नहीं। सब्जी में हमारा उबाल आने लगा है, इसे अब 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। हमारा आलू दही का सब्जी बनके तैयार है। अब इस पर थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपका मन नहीं भी होगा खाना खाने का तो आप ये सब्जी देखकर आप तुरंत खाने बैठ जाएंगे। अब गैस बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी दही आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू।